दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर रही है। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो, उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं। तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाएगा। इतना विधान है दीप का। जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने दो बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है, ये पक्का। तो 3 नियम अपनी जिंदगी में धारण कर लें। अगर ठेला लगा रहे हैं रोड पर, अगर आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं, 3 नियम जिंदगी में। पहला, एक बार जिंदगी में पशुपति व्रत अवश्य करो। दूसरा, प्रत्येक प्रदोष, एक शंकर जी के मंदिर में दिया और एक अपने घर के दरवाजे पर दिया, अवश्य लगाओ प्रत्येक प्रदोष। और तीसरा नियम बना लो, शिवरात्रि महीने की आती है, हर महीने की शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया, ये 4 स्थान पर दिया, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। 4-5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नैया पार। शिवलिंग है, जलाधारी है, पार्वती जी की मूर्त है, गणेश जी की भी मूर्ति है, कार्तिकेय जी की भी मूर्ति है, नंदी की भी मूर्ति है। तो किसी ने कहा कि गुरु जी, हम जब शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको जल चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल शिवलिंग पर आपने जो जल समर्पित करा है वो जल पार्वती जी को भी मिल गया, गणेश जी को भी मिल गया, कार्तिकेय जी को भी मिल गया। उसके सिवाय तुम्हें ये नहीं कि यहां भी जल चढ़ाओ, वहां भी जल चढ़ाओ, ना, केवल शंकर जी पे तुमने जल चढ़ा दिया, शिवपिंडी पर जल चढ़ा दिया, वो जल तुम्हें, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल सबको प्राप्त हो गया। अब उसमें तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैंने पार्वती जी को तो स्नान कराया ही नहीं, मैंने गणेश जी को तो स्नान कराया ही नहीं, मैंने कार्तिकेय को तो स्नान कराया ही नहीं, ना ना ना। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है, जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। आप उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है
जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है, ये जल चढ़ाने का था। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो, अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना, यह तीसरा तरीका। यह कार्य की सिद्धता के लिए हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा, चौथा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पांच जगह पर समर्पित करना, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी, ये चौथा क्रम है। और पांचवा, जल समर्पित करना, पांचवे नंबर का जो शिवजी को पंचम नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल हो। धतुरे का जो पुष्प है उसको दो जगह पर समर्पित किया जाता है, अशोक सुंदरी के स्थान पर जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। बहुत अंतर है महाराज, कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं। जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांध कर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज, हल्दी में डुबोना पड़ता है। जलाधारी, अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होता है। ये भी अलग अलग होते हैं। पहला दिया होता है पणाती दिया। मैं चैनल वालों से कहूंगा, अगर आपके पास में, अगर क्योंकि हमने पहले भी कथा में कहा कि जिस जिस जगह का स्मरण कराएं उस जगह का फोटो भी आप दिखाएंगे तो उसका आनंद कथा सुनने वालों को, ऑनलाइन वालों को मिलेगा। पहला होता है पणती दिया। ये पणती दिया मट्टी का दीप, जिस दीप के अग्र भाग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है उसको पणती दिया कहते हैं। ये पणती दिया जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इस दिए को सम्मुख में जब रखा जाता है तो दिए का जो लोकी मुख होता है वो अपनी ओर होना चाहिए। पणती दिए की जो लो है, बाती है, उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती है अगर इस दिए की बाती भगवान की ओर रहती है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, पर इस दिए की बाती जब हमारी ओर होती है
तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो वो कट जाती है हमारा पणति। विष्णु पुराण में दूसरा दीप कहा गया है निरांजन दीप। विष्णु पुराण में दूसरे दीप का वर्णन निरंजन दीप। जिस निरंजन दीप में महाराज आपने देखा होगा डमरू जैसी आकृति होती है, अगर चैनल पे कथा देख रहे होगे तो इनके पास में अगर होगा तो अवश्य दिखाएंगे निरंजन। इस निरंजन दीप में डमरू की आकृति होती है, रखने का भाग और ऊपर का भाग इस तरह से, और ऊपर उसमें दिए लगाए के लिए बाती का स्थान रहता है। किसी किसी में 5 कंगूरे होते हैं, किसी किसी में 6 कंगूरे होते हैं, इसको निरंजन दीप कहते हैं। महाराज विष्णु पुराण के 5वें अंश में लिखा गया निरंजन दीप भगवान के सम्मुख में राइट भाग में लगाया जाता है। भगवान का जो स्थान होता है, भगवान का जो मंदिर होता है, तो भगवान का राइट, आपका होगा लेफ्ट, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठोगे तो भगवान का राइट आपका लेफ्ट, तो आप जब लगाएंगे तो आप लेफ्ट में लगाएंगे, आपका लेफ्ट होगा और भगवान का वो भाग राइट कहलाएगा, तो भगवान के सीधे हाथ की ओर लगता है, माना निरंजन। निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगता माना, निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगेगा। हाँ यह हो सकता है कि बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें तेल डाल सकते हैं, बटी निरंजन दीप जो होता है उसमें कंगूरे नहीं होते, बटी निरंजन दीप केवल गोल होगा, ऊपर से डमरू जैसी आकृति होगी, डमरू जैसा होता है ऊपर से, उसमें कहीं कंगूरे नहीं होते। महाराज अगर आप चैनल पर देख रहे होंगे तो बटी निरंजन दीप का भी वर्णन आपको दिखाया जा रहा होगा। बटी निरंजन जो दीप होता है वो केवल डमरू की आकृति में होता है, उसमें कोई कंगूरे नहीं होते, पर निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे होते हैं। तो जो निरंजन दीप होता है उसमें कभी तेल नहीं डाला जाता, निरंजन दीप को हमेशा घृत से ही लगाया जाता है, पर बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें आप तेल डाल सकते हैं, बटी निरंजन दीप जो लगाएंगे वो तेल का लगा सकते, पर निरंजन में कभी तेल नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डालते? विष्णु पुराण कहती है निरंजन दीप के अंदर अगर तेल की बाती लगाकर लगाया जाता है तो 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपए खर्च होगा, घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है। अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की बाती लगा रहे हो ये सिद्ध हो चुका है। और महाराज बटी निरंजन जो दीप होता है उसके अंदर आप तेल डालकर जला सकते हो। बटी निरंजन जो दीप होता है या आप किसी भी स्थान पर लगाओगे, सबसे पहले पितृ इससे भाग ग्रहण करते हैं, देवता को देते हैं, देवता उससे भाग ग्रहण कर कुबेर को प्रदान करते हैं, कुबेर उससे भाग लेकर शिव को प्रदान करता है। भगवान शंकर बटू भैरव को कहकर घर का उद्धार करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं बटी निरंजन, इसमें कंगूरे नहीं होते महाराज। बटी एक कुबेर निरंजन भी होता है, दिए में स्टैंड होता है, पकड़ने की जगह होती है, आगे उसमें चोंच लगी रहती है, उसको कुबेर निरंजन दीप कहते हैं। कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो कुबेर निरंजन, जिसमें स्टैंड होता है, ऊपर होता है, थोड़ा लंबा होता है, आगे लंबाई निकली रहती है, कुबेर निरंजन टीवी पर आप दर्शन कर रहे होंगे तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका 2 दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन